हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। दोस्तों, यहां पे आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा का नाम आप सभी लोगों ने कभी न कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, और क्यों नहीं, क्योंकि अश्वगंधा आयुर्वेद की एक चमत्कारिक ड्रग है और आयुर्वेद की बहुत सारी क्लासिकल प्रिपरेशंस में अश्वगंधा का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आज हम अश्वगंधा के बारे में पूरी की पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ जरूर से जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की आप अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर आप कोई और वीडियो के ऊपर अपडेट भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। दोस्तों, अश्वगंधा जो है उसका टेस्ट बिटर यानी कि कड़वा, थोड़ा सा कसेला पिंजेंट और थोड़ा सा मधुर यानी कि मीठा। कड़वाहट ज्यादा होती है, थोड़ा सा कसेला होता है, थोड़ा सी मिठास भी अश्वगंधा के स्वाद में होती है। अश्वगंधा की क्वालिटी यानी कि उसकी गुणों के बारे में बात करें तो आयुर्वेद के ग्रंथों में उसे बल कारक बताया गया है। बल कारक मतलब शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला। वीर्यवर्धक बताया है मतलब शुक्र धातु का वीर्य को बढ़ाने वाला और सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली औषधि बताई गई है अश्वगंधा को। अश्वगंधा को एक रसायन औषध बताया गया है। रसायन औषध का मतलब होता है रिजुवेनेशन करने वाली, आपको फिर से जवान करने वाली औषधि। ये एक ब्रूहणीय औषधि है। ब्रूहणीय मतलब कि आपकी बॉडी को, आपकी जो, आपका जो शरीर है उसको बढ़ाने वाली, उसको ब्रूहण करने वाली औषधि। इसको वृष्य बताया गया है, वीर्यवर्धक बताया गया है और शोथहर यानी कि सूजन को दूर करने वाला, ये सारे इसके गुण है। दोस्तों, अगर हम इसकी पोटेंसी की यानी अश्वगंधा की पोटेंसी की बात करें तो इसका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा गर्म है, मतलब कि अश्वगंधा की तासीर है वो गर्म है। और अगर अश्वगंधा की तासीर गर्म है लेकिन जब हम उसको, उसका सेवन कर लेते हैं तो डाइजेशन के बाद, मतलब कि जब अश्वगंधा पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाती है तो वो ठंडी हो जाती है, मतलब पचने के बाद उसका जो विपाक है, उसका जो कन्वर्जन है वो मधुर हो जाता है, यानी कि उसके बाद वो गर्म नहीं पड़ती है बॉडी को। यानी अश्वगंधा का सेवन अगर दूध के साथ किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। और दोस्तों, अगर तीनों दोष वायु, पित्त और कफ के ऊपर अश्वगंधा के इफेक्ट की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो प्रभाव है, अश्वगंधा को वात कफ नाशक, श्वित्रहर और शोथहर औषधि बताया गया है। श्वित्र यानी कि सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा को ठीक करने वाला, बॉडी में से सूजन को दूर करने वाला और वायु पित्त के तमाम रोगों का नाश करने वाली बेहतरीन औषधि अश्वगंधा को बताया गया है। तो दोस्तों, अश्वगंधा का जो लैटिन नाम है, अश्वगंधा को विदानिया सोमनीफेरा के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब आइए देखते हैं अश्वगंधा के यूजफुल और बेहतरीन बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, अश्वगंधा का सबसे बेहतरीन बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर हम देखने जाएं तो वो सेक्सुअल डिसीज में होता है। ये काम उत्तेजक और सेक्सुअल पावर को और वीर्य को बढ़ाने वाली एक बेहतरीन औषधि है। उसके बाद अगर दूसरा उपयोग हम देखें तो एंजाइटी यानी कि जिन लोगों को टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, मानसिक तनाव रहता है, उसमें अश्वगंधा एक वंडरफुल ड्रग का रोल प्ले करती है। जिन लोगों को सफेद दाग की शिकायत यानी कि श्वित्र, ल्यूकोडर्मा की शिकायत है, वैसे लोगों के लिए अश्वगंधा एक बेहतरीन औषधि है। अश्वगंधा का रेगुलर सेवन करने से ल्यूकोडर्मा में काफी फायदा होता है। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा पे डाला गया है, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप वहां देख सकते हैं। उसमें हमने ल्यूकोडर्मा के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है। उसके बाद हम अश्वगंधा के बेनिफिट्स की बात करें तो ल्यूकोरिया यानी कि स्त्रियों में होने वाले सफेद पानी का रोग, श्वेत प्रदर का रोग, जिसकी वजह से बदन दर्द और शरीर में कमजोरी आना और सफेद पानी बार बार जाना, ये जो तकलीफ स्त्रियों में होती है उसमें अश्वगंधा एक चमत्कारिक औषधि का रोल प्ले करता है। और अश्वगंधा का रेगुलर सेवन करने से ल्यूकोरिया रोग का नाश हो जाता है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार है, मानसिक अवसाद का शिकार है, नेगेटिव थॉट्स और अपनी जिंदगी में हताश हो चुके हैं, वैसे लोगों के लिए ब्रेन में जो केमिकल इंबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए अश्वगंधा एक मिरेकल औषधि का रोल प्ले करती है। दोस्तों, जिनको नींद नहीं आती है उन लोगों के लिए भी ये एक चमत्कारिक औषधि है। अश्वगंधा का रेगुलर सेवन करने से आपकी अनिद्रा यानी कि इंसोमनिया का डिसीज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको अच्छे से नींद आएगी। वजन बढ़ाने के लिए और वजन घटाने के लिए
दोनों के लिए अश्वगंधा का रोल है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आप अश्वगंधा का चूर्ण स्वरूप में सेवन कर सकते हैं। अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो अश्वगंधा के चूर्ण को आप घी और दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, दोस्तों अभी कोविड-19 का जो जमाना आया और कोविड-19 में क्लिनिकली ट्रायल से अश्वगंधा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला और कोविड-19 वायरस के सामने इफेक्टिव मेडिसिन माना गया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव किया है। उसके बाद जो लोग जिम में जाते हैं और अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों को मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रोज रात को सोने से एक घंटा पहले आधी चम्मच अश्वगंधा पाउडर को दूध के साथ सेवन करने से आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बढ़ेगा और आपको बॉडी बिल्डिंग में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जिससे आप अच्छे से वेट लिफ्ट कर पाओगे और आपके मसल्स को बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी को ज्यादा ताकत प्रोवाइड करता है। दोस्तों अश्वगंधा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है शरीर में से खराब तत्वों को निकालने वाला, यानी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को दूर कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बेहतरीन सेक्सुअल स्टिमुलेंट है। अगर जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो लोग रेगुलर अश्वगंधा का सेवन करें, दोस्तों ये आपको मिरेकल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटनों के दर्द की जो समस्या है, घुटनों में जो घसारे लग जाते हैं, जो आर्थराइटिस की समस्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। अश्वगंधा बहुत बेहतरीन औषधि के रूप में उसमें भी कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों अश्वगंधा उसके अलावा फीवर में और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी और जुखाम हो जाता है, उन लोगों को उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अश्वगंधा एक वंडरफुल ड्रग के स्वरूप में काम करता है। दोस्तों अश्वगंधा स्ट्रेस, इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है और हजारों नहीं लाखों लोग अश्वगंधा का रेगुलर सेवन करते हैं। लेकिन अश्वगंधा में एक और बेहतरीन फायदा यह है, अश्वगंधा जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी है अश्वगंधा में, इसलिए वो डायबिटीज मलाइटस यानी कि जिन लोगों को शुगर की समस्या है, वैसे लोगों को अगर अश्वगंधा का सेवन किया जाए तो उनका डायबिटीज भी कम हो सकता है। दोस्तों अश्वगंधा के बेनिफिट्स की हमने बात करी, अब मैं आपको बताता हूं अश्वगंधा हम किस तरीके से ले सकते हैं। अश्वगंधा को अगर आपको ओल्ड एज टायर्डनेस है, अगर आपको जो लोग ओल्ड एज हो चुके हैं और बड़ी एज की वजह से जिनको मस्कुलर वीकनेस और बॉडी में टायर्डनेस फील होती है, उन लोगों को क्या करना है, अश्वगंधा, कौचा बीज का पाउडर और तिल, ये तीनों को समान मात्रा में मिक्स करके उसमें से एक चम्मच रोज रात को दूध के साथ लेना है। इस तरीके से सेवन करने से आपका ओल्ड एज का टायर्डनेस जो है वो दूर हो जाएगा। जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि बार बार सर्दी खांसी की शिकायत है, उन लोगों को अश्वगंधा, हल्दी और जिंजर पाउडर, ये तीनों को मिक्स करके उसमें से हाफ टी स्पून दिन में एक बार रोज सुबह लेने से आपको एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि बार बार होने वाले सर्दी का जो रोग है उसमें से आपको निजात हासिल होगी। और अश्वगंधा के बारे में दोस्तों मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको बताता हूं कि अश्वगंधा का सेवन किस तरीके से, किन किन तरीकों से हम अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अश्वगंधा का काढ़ा बना के भी उसका सेवन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 ग्राम यानी एक चम्मच अश्वगंधा लेना है। अश्वगंधा के मूल को भी ले सकते हैं या अश्वगंधा के पाउडर को ले सकते हैं, जिसे आप 100 ml पानी में उबाल के 2 से 3 मिनट उसको आप उबालेंगे तो 50 ml हो जाएगा, तब उसको छान के आप खाली पेट सुबह ले सकते हैं। दोस्तों अश्वगंधा के पाउडर को आधी चम्मच रात को दूध के साथ पी लिया जा सकता है। अश्वगंधा के पाउडर को वजन बढ़ाने के लिए आधी चम्मच गाय के घी के साथ मिक्स करके भी लिया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस जैसी कंडीशन में अश्वगंधा की टैबलेट के स्वरूप में भी उसको सुबह दोपहर शाम एक एक गोली के स्वरूप में भी खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे अश्वगंधा के फायदे के बारे में बताया, अब अश्वगंधा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर अश्वगंधा का सेवन ज्यादा मात्रा में किया जाए या जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी की तकलीफ है, वो लोग अगर अश्वगंधा का सेवन करें तो उसको दूध के साथ ही लें, क्योंकि अश्वगंधा का सेवन ज्यादा मात्रा में करने से आपको गैस्ट्राइटिस यानी कि एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पे आज अश्वगंधा जैसी मिरेकल औषधि के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आशा रखता हूं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जरूर से नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्द से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।